अज जलंधर के डीसी दफ्तर विखे पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह पहली बार जलंधर आए जिथे उन्होंने अहम प्रेस वार्ता की। मीडिया नाल गलबात दौरान सेहत मंत्री ने दसिया कि अज वह सिर्फ जलंधर के सेहत नाल संबंधित मसलों संबंधित गल्लां करन आए ने अते जो भी कमियां नज़र आईयां वह पूरियां करनगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में 76 के करीब होर नवे मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे। उन्होंने ये भी दसिया कि हुण तक हर एक मोहल्ला क्लीनिक च कई आम लोग अपना इलाज करवा चुके ने। गलबात दौरान उन्होंने दसिया कि कैनेडा वालों डिपोर्ट किए जा रहे 700 तो भी वध बच्चों बारे जानकारी केंद्र सरकार को दे दिती है। उन्होंने कहा कि 400 के करीब बच्चों के हाले वेरीफिकेशन रहिंदे ने अते जिस एजेंट वालों इन्हां दे वीजे लगवाए गए ने उन्हां दे लाइसेंस रद्द किए गए ने अते जल्द उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी बिल्कुल भर्ती किया जाएगा जी। 504 जिहड़े चल रहे जिस तरह थोड़े जलंधर दे 36 चलते 16 होर बनने यह गिनती वधदी जाएगी लगातार। इनफैक्ट वो थोड़ी जी ना मैं वो क्लैरिफाई करना चाहना कि जोड़े साढ़े को 3030 जोड़े है वैलनैस सेंटर भी है। वैलनैस सेंटर के कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर होंगे जोड़ा कि एक ट्रेन डॉक्टर नहीं होंगे वो भी साढ़े चलते पे वो असी बंद नहीं किया कोई भी मेरे लगता कि ना कोई कन्फ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हैगी है वो साढ़े सारे सेंटर चलते पे आ 2500 तो ज़्यादा जोड़े साढ़े है। इनफैक्ट सू स्टेट जोड़ा है यूनियन गवर्नमेंट ने पंजाब नूं उहदे वास्ते एक अवार्ड भी दिता जिहड़ी साडी बेस्ट परफॉर्मेंस हैगी आ देश दे विच्चों जिहड़े टॉप दे जिहड़े 5 स्टेट्स हैगे उहदे विच असीं आने आ। वैलनेस हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर भी चलते हैं जिहड़ी इह वाली फैसिलिटी है दिस इज़ इन एडिशन टू इहदे विच फर्क ही हैगा कि इहदे विच क्वालीफाइड डॉक्टर है। नवीं जिहड़ी बिल्डिंग है असीं मेजर रिपेयरस कीतियां उहदे विच इनफैक्ट असीं पहलां 100 कीता सी उहदे विच जदों असीं 27 जनवरी नूं कीता 1 मिलियन पेशेंट्स उहदे विच और तकरीबन 1.5 लाख लोग टैसट करवा चुके सी 10 लाख लोग इलाज करा चुके थे। एक बहुत अच्छी सुविधा जिदे विच एक क्वालीफाइड डॉक्टर है सारे टेस्ट होंदे आ और सारिया दवाइया मिलती हैं तकरीबन जोड़े 90% बंदे उन्हों का इलाज आम आदमी क्लीनिक हो जाता। कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर के जोड़ा है वो एवरेज जोड़ा है वो 200 पेशेंट देखते हैं महीने के वेरास जोड़ा सा आम आदमी क्लीनिक है ये IT इनेबल्ड है ये जोड़े डॉक्टर है वो तकरीबन जोड़े है 2000 पेशेंट्स देखते हैं। सो इन्ना ज़्यादा उन्होंने आपस के फर्क है वो जी एफिशेंसी है वो ना तकरीबन 6-7 गुणा हैगी है। तो इस करके इन दोनों का जोड़ा है दे आर कॉम्पलीमेंटरी टू ईच अदर ये दोनों प्राइमरी केयर चाहते हैं। जिस तरह अज मैं आया वो सिविल हॉस्पिटल है जोड़ा कि पंजाब का सब तो बड़ा सिविल हॉस्पिटल है 470 बैड्स है वो 19 बैड्स का जोड़ा है बर्न यूनिट बनया वो असं वो शुरुआत करा रहे हैं और सारा जोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने असं ए क्लास वर्ल्ड क्लास कर रहे हैं। वो जो थिएटर साढ़े ऑपरेशन थिएटर लेबर रूम एमरजेंसी उन्होंने अपग्रेड कर रहे हैं नवे डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं। रीसेंटली असं 271 जोड़े डॉक्टर है स्पैशलिस्ट उन्होंने भर्ती की है वो कुछ एक बंद कोई सीनियर रेजिडेंसी कर रहे हैं उन्होंने एक्सटेंशन मंगी है लेकिन असं लगातार जिन्हें होर एमरजेंसी जी सर्विस डॉक्टर नवे भर्ती कर रहे हैं। इस तरह एक हाउस जॉब शुरू कर रहे हैं आने वाले दिनों के एक डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू होएगा वो भी जो मेडिकल कॉलेज आएंगे और प्राइवेट सैक्टर के नाल भी असं कलैबोरेट कर रहे हैं और सानू साड़ी सरकार ने एक साल पूरा किया और एक बड़ी विलखण प्राप्ति है। जिहड़ियां पहलियां सरकारां होंदियां सी उहदे पहले साल नूं तुसीं सारे जाणदे हो उहनूं हनीमून पीरियड कहिंदे सी और जिहड़े आम आदमी होंदे उहनां दा हनीमून नहीं होंदा जी मतलब पहले दिन तों कम शुरू हो जाता उन्होंने कम करके अपना गुजारा होंदा। और भगवंत मान जी ने भी इस तरह किया कि तुहाडे 26,797 बंदे जिहड़े नवे आ ये पहली बार होया कि पहले साल के किसी ने नौकरियां दित्तियां 14,000 जिहड़े कच्चे मुलाजम सी उन्होंने पक्के किए और 90% लोगों का बिजली का बिल नहीं आता और जोड़े स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं सारे सरकारी स्कूलों असी अपग्रेड कर रहे हैं उन्होंने टीचर्स दे रहे हैं नवे कमरे बना रहे हैं जोड़े टीचर्स है उन्होंने ट्रेनिंग कर रहे हैं ईवन उन्होंने फॉरन कंट्रीज भेज रहे हैं। इस तरह साढ़े सारे जोड़े बहुत सारे जोड़े साढ़े इनिशिएटिव है रेता है पहली बार होया कि तुम अपनी जी है वो खड़ दौ तो अपनी ट्राली लै जाओ 5.5 रुपए के हिसाब से भर लिया करो यह कदम पंजाब के लोगों ने सोचा भी नहीं। सो इस तरह किसानों वास्ते उन्होंने गन्ने के पैसे क्लीयर किए हैं मूंगी वास्ते दी है सीधी बिजाई वास्ते पैसे दते हैं। सो य बहुत सारी जी पहली सरकार है जिंदा इन्निया ज्यादा पहले साल के अचीवमेंट्स है गैंगस्टर जोड़ा कल्चर है उन्होंने खत्म किया जा रहा ड्रग्स के उत्ते जोड़ा कंट्रोल किया जा रहा
तो यह बहुत सारिया जी सरकार है सरदार भगवंत सिंह मान की पंजाब रंगला पंजाब बनाने लिए उन्होंने खेडा भी कराई कल्चरल प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। सो ये सारे जिहड़े साडे जिन्नी साडी सारी टीम है साडे MLA साहबान और जिन्ने साडे सारे अफसर साहबान है ये सारे असी मिल के एक उपराला कर रहे हैं और ये वास्ते मैं अपील भी करता सारों कि अपनी जिहड़ी अप्रोच है पॉजिटिव रखो और जिहड़ियां ये एक नवी शुरुआत हुई है नवी सोच वाली सरकार है वो जिस तरह एक नवी सोच में लैके चल रहे हैं लोगों को जॉब्स दे रहे हैं सेहत सिक्ख्या रुजगार और बुनियादी सहूलत ये साढ़े थ्रस्ट एरियाज है और सारे असं काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ मैं फिर दोबारा थोनों दसदा जो देहाती डिस्पेंसरी से ना जी जो कम्युनिटी हेल्थ अफसर भी उत्थे सी ते जिहड़ा क्वालीफाइड डॉक्टर सीगा दो डॉक्टर सीगे उत्थे ना तो दवाई सी टेस्ट सिर्फ छे होंदे सी दवाइयां होंदियां नहीं सी उहनां कोलों सो एक बहुत ज़्यादा वेस्टेज सी जिवें दोनों मिल के 20 पेशेंट देखते सी रोज़ दे मतलब 300 पेशेंट देखते सी महीने दे विच हुण असी एक तो बिल्डिंग्स बहुत खराब सीगियां असी 470 करने सी अपग्रेड लेकिन असी उहदे चों जिहड़े सीगे 404 करके 100 पहले 504 कर सके जिहड़े बाकी दे 74 सीगे उह सिर्फ इस करके नहीं सी उहनूं अपग्रेड कर सके क्योंकि वो जिहड़ियां बिल्डिंग सीगियां जां तो अनसेफ सीगियां जां उहदी मेजर रिपेयर चाहीदी सी उह हुण असी जिहड़ी तुहाडी साडी थर्ड फेज़ है जिहदे विच असी जिहड़ियां 5 सिटीज़ हैगियां इहदे विच असी उहदे विचों मतलब हुण वी असी 71 नहीं कर सके 8 फेर रह गए उहदे विचों क्योंकि बिल्डिंग इन्नी ज़्यादा खराब है उहदी रिपेयर की लोड़ सी उहनां नूं अपग्रेड करके जिहड़ा तुहाडा दूजा सवाल हैगा डॉक्टर दा उहदे विच कुछ एक जगह ते जिहड़े डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे सी लोकां दी डिमांड वी सी जिथे प्राइमरी हैल्थ सेंटर सी उह एमरजेंसी ड्यूटी करदे सी दरअसल उह उहनां नूं मतलब दिक्कत इस करके आई भी जिहड़ा रूरल डिस्पेंसरी च लग्गिया होया सीगा उह किसे ना किसे प्राइमरी हैल्थ सेंटर च जां कम्युनिटी हैल्थ सेंटर दे विच नाल एमरजेंसी ड्यूटी करदा सी उहदे वास्ते असीं नवें डॉक्टर भी भर्ती कर रहे हां असी वो जिहड़े डॉक्टर हैगे आ जिहड़े साडे आम आदमी क्लिनिक दे सीगे साडा जिहड़ा पहला तजर्बा सीगा जिहड़े साडे क्योंकि ये सारा IT इनेबल्ड है पेशेंट आया उहदी कंप्यूटर ते पर्ची बनी उही कंप्यूटर दे उत्ते डाटा डॉक्टर कोले गया उहने अपनियां फाइंडिंग्स लिखियां अपना डायग्नोस लिखा टेस्ट भी उहदे ते होणगे और दवाई भी उहदे ते मिलेगी वो साडा जिहड़ा उहदे विच असीं उहनां दी एक मतलब क्वालिफिकेशन रखी आ कि उहनूं कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए जिहड़े पुराने डॉक्टर आ दे आर नॉट वैरी कंफर्टेबल सारे कंफर्टेबल नहीं आ कुछ एक हैगे उहनां दे विचों वी वो जिहड़ा स्टाफ है मैं दस रहा जिहड़े हुण साडे 150 असीं हुण खोलणे सीगे उहदे 'च मैं कहा वी 8-7-8 होर घट जाणगे ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 800 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਗਏ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ 4 ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ SGPC ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਹ 4 ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ SBS ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 350 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 2-4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੌਂਡ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। देखो जे मैं 100 डॉक्टर रखांगा तो घट्टो घट भी है ना 1000 जिहड़ा पैरामेडिक जिहनूं असीं कहिंदे हां, एक डॉक्टर दे नाल 4 नर्सां आणगीआं जी, उहदे नाल वार्ड अटेंडेंट आणगे, लैबोरेटरी टैक्नीशियन आणगे, क्लास 4 आणगे, माली लगणगे हस्पतालां दे विच। सो उहदे नाल घट्टो घट भी 10-15 जिहड़ियां जॉब्स आ क्रिएट होंदियां। सो साडा टारगेट जिहड़ा हैगा उह तकरीबन 1000 डॉक्टर जिहड़े हैगे आ उहदे च 1000 तां इनफैक्ट मैं जिहड़े हाउस जॉब मैं शुरू कर रहा दुबारा, जिहड़े हाउस जॉब्स होंदे आ डॉक्टर जिहड़े होंदे आ दे वर्क 24/7 उत्थे रहिंदे आ, उन्होंने जी उन्हों का स्टाइपेंट सी 30,000 असी वधा के कोशिश कर रहे हैं कि 70,000 हो जाए, ताकि बच्चों असी उत्थे पढ़ावांगे भी, उन्होंने उन्होंने एजुकेशन भी करांगे, उन्होंने PG एंट्रेंस वास्ते तैयार करांगे, उन्होंने जॉब इंटरव्यू वास्ते तैयार करांगे। सो एक नवा जिहड़ा साडी सरकार का उपराला हैगा कि अर्न वाइल यू लर्न, तो उहदे नाल बच्चों के विच क्योंकि बच्चा जिहड़ा बेचारा जिन्हें MBBS कर ली, माँ प्यो ने पता नहीं किन्ने औखे कराए इंटर्नशिप करके वेला बैठा हुआ, वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के नाले उत्थे पैसे दे रहा नाले वो अपना उन्होंने फीस भर रहा बहुत ज़्यादा, तो वह तैयारी कर रहा PG की, उन्होंने तैयारी असं हॉस्पिटल ऑन जॉब ट्रेनिंग करावे उन्होंने। सो एक होर साडा उपराला है फॉर जिहड़े यंग बच्चा। बिल्कुल जी, आयुष वास्ते असी थोड़ी मैं जानकारी दसदा कि एक मोगा दे विच हस्पताल बनिया हुआ, मैं शुरू करन जा रहा बहुत जल्दी, और साढ़े कोल एक यूनिवर्सिटी हैगी आ जिहड़ी कि गुरु रविदास आयुर्वैदिक यूनिवर्सिटी हुशियारपुर दे विच, उन्हां दे कोल कोई हस्पताल नहीं है उत्थे, मैं बहुत वड्डा एक जिहड़ा हैगा नैचुरोपैथी दा जिहड़ा हैगा वह मैं इंस्टीट्यूट शुरू करन जा रहा, पटियाले दे कॉलेज नूं असीं रिवाइव कर रहे हैं, और जिस तरह साढ़े आम आदमी क्लीनिक 31 की डेडलाइन, इसे तरह साढ़े एक CM की योगशाला भी प्रोग्राम है, वो जिहड़ी CM की योगशाला हैगी है वह भी डिप्टी कमिश्नर साहब अपने चल रहे जी, ऑन ट्रैक है सर, ठीक है जी, वह भी साडा ऑन ट्रैक है जी, असं योगा शुरू कराने जा रहे हैं। थोड़ा सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा जहाँ मैं एलैबोरेट करना चाहता, अपने डॉक्टर का मतलब आप समझते हैं कि बंदा बीमार हो गया फिर डॉक्टर को जाऊगा, वह इलाज करेगा, दवाई देगा, टीका लगाएगा, टेस्ट कराएगा, नहीं, डॉक्टर ने 4 काम करने होंगे जी, एक तो काम वह क्यूरेटिव सर्विसिज है जो असं करते हैं, दूजा है उन्हें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ प्रमोशन ऑफ हैल्थ, ये की है कि जोड़ा असं हूँ एक तो असं योगा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जोड़े साढ़े आम आदमी क्लीनिक है जितने जगह हैगी, जो हॉस्पिटल है वो असी वॉकिंग ट्रैक भी बना रहे हैं, वो असी ओपन एयर जिम भी बना रहे हैं, वह योगा कम मैडीटेशन सेंटर भी बना रहे हैं, सारे सारिया सेहत संस्थावों के मकसद ये है कि लोग जोड़ा किसी बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन है डायबिटीज़ है। अज ही मैं हूँ सीधा थोड़े ना जी नवें शहर तो SBS नगर तो मैं एक उत्थे माता गुजरी ट्रस्ट वालों एक डायलसिस सेंटर चलाऊंगा, बहुत अच्छा सेंटर है, उसके विच 10 पेशेंट्स का डायलसिस हो रहा है रोज़, वो 15-20 लोगों का रोज़ करते हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा NRIs ने, इस तरह के पंजाब के भुलत के भी चल रहा सेंटर थोड़ा, और बहुत सारे सेंटर डायलसिस सेंटर मेरे ख्याल ये घट्टो घट भी जो 80-90-100 सेंटर चल रहे सवादा भला वाले भी चला रहे हैं, उन्होंने मैं सारे पूछा लोगों के सामने पूछा भी थोड़ी की प्रॉब्लम है, दसते दस जोड़े से वह कारण की सी, जां तां उन्होंने ब्लड प्रैशर से जां उन्होंने शूगर से, दो बीमारियां करके जोड़े है अपने को डायलसिस दी लाइनां लगिया हुई, जे आपां मतलब ठीक सोच नहीं करांगे असीं इन्हां लोगों को लभना है। आने वाले समय के मेरी यह योजना हैगी है कि आने वाले 1-2 साल के जिन्हें साढ़े को नर्सिंग स्टूडेंट्स है, इंटर्नस है, डॉक्टर्स है, मैडिकल्स है, साढ़े आम आदमी क्लीनिक बन जाएंगे, उन्होंने पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों का ब्लड प्रैशर शुगर चैक करके उन्हों का इलाज कराना, कैंसर की अर्ली डिटेक्शन करनी है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर करनी है, जे आप बीमारी शुरू च नहीं फड़ांगे तो वह इलाज करना बहुत औखा, एक जो पेशेंट डायलसिस कराता तुम तो फ्री करता वह, बट वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की है, वो मतलब हफ्ते 2 बारी डायलसिस कराता, इट्स ए वेरी पेनफुल प्रोसीजर, इट्स ए वेरी कॉस्टली प्रोसीजर, वो चलो कॉस्ट कोई होर बीयर कर रहा बट पेन तो उस बंदे हो रही है, उस परिवार को आना जाना तो पैंदा है ना जी, वो कम तो नहीं कर सकता बंदा ना, उहदी क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई नहीं है। सो जे असीं शुगर के मरीजों के हाइपरटेंशन की अर्ली डिटेक्शन करके इलाज कर देंगे, इट्स वेरी चीप, एक गोली खानी है और उन्हें वर्जिश करनी है, हर एक बंदा जिहड़ा हैगा मैं अपील भी करदा कि जिहड़ा साडा CM दी योगशाला उहदे च जॉइन करो, उहदे च उहदा भी एक पार्ट बन करो, और तुसी जिन्ने भी हैगे आ जिन्ने प्राइवेट डॉक्टर भी आ जां हर एक बंदे दा फर्ज है कि जाके अपना ब्लड प्रैशर शुगर किसी भी सरकारी हस्पताल तो चक करावे,
और साढ़े आने वाले इस साल के आने वाले छे महीने के जड़िया थोनू है हर सरकारी हस्पताल के डॉक्टर होएगा चाहे आम आदमी क्लिनिक तो शुरू करता अभी सब डिविजन लैवल से भी उत्थे सारिया बीमारिया दारे टैसट हो सारिया दवाइया थोड़ा हस्पताल मिल गई सरकार किसी बंद अपने को पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा क्योंकि 80% बंदे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ऑन हेल्थ करके दे स्लिप बिलो द पॉवर्टी लाइन और गरीबी रेखा तो नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी। इनफैक्ट मैं आई वॉन्ट टू कॉम्पलीमेंट अज मेरा शाम को डिनर भी इंडियन मैडिकल एसोसीएशन वालों है उन्होंने मैं इनवाइट किया। आई एम मीटिंग द कारपोरेट हॉस्पिटल मैडिकल कॉलेज एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। यह जिदे वास्ते वो कहें जी अस तो चाहते थे कि कोई इनिशिएटिव लवे फरिश्ते स्कीम थोड़ा जहां मैं थोड़ा इलैबोरेट कर दिना कि वह बाईचांस रब न करे किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी ने कोई मैडिकल एमरजेंसी हो जाए जो बंदा भी हैगा उन्हें उन्होंने एक्सीडेंट विक्टिम नियरेस्ट हॉस्पिटल लैके जाना नेड़े दे हस्पताल लैके जाना असी 2000 रुपया सम्मान राशि देंगे क्योंकि उन्होंने असं फरिश्ता कहने और जो हॉस्पिटल है वो पेशेंट का इलाज फ्री करेगा वह गवर्नमेंट को बिल रेज करेगा असं उन्होंने दे पाएंगे उन्होंने असं गवर्नमेंट उन्होंने पे करेगी वह बिल वो असी रेट्स वगैरह वो साड़ी प्रोसैस चलती पी आई उन्होंने जोड़ा है एक जो भी उन्होंने बिल होगा 24 घंटे का असं उन्होंने गवर्नमेंट पे करेगी पेशेंट को कुछ नहीं पे करना पड़ेगा और मरीज हस्पताल जोड़ा मर्जी प्राइवेट सरकारी कॉरपोरेट जोड़ा मर्जी और मरीज कोई पंजाब तो हो मतलब किसी बाहरले देश तो बाहरले सूबे तो हो किसी धर्म का होत का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए कोई वास्ते कुछ नहीं चाहिए जोड़ा बंदा भी विक्टम है जो जो कोई एक्सीडेंट का विक्टम है उन्होंने इमीजिएट मैडिकल एड मिलनी चाहिए है और यह बहुत अच्छी स्कीम है और दिल्ली के ट्राइडेंट टेस्ट श्री अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी की ट्राइडेंट टेस्ट साड़ी हैगी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का एवरीबॉडी इज पॉजिटिव जी ऑल हॉस्पिटल्स आर कोऑपरेटिव। देखो मेरे को डिपार्टमेंट वाइज डाटा नहीं है बट जी असं जिस तरह 27,000 बंद नवयान दी है इस तरह असं 14,000 बंद जो कच्चे मुलाजम से जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो आउटसोर्सिंग से गवर्नमेंट के इंपलाइज ने उन्होंने वास्ते सोच रहे हैं कुछ एक जिम्मे जोड़े से जिते कोई कानूनी तौर पर कोई अड़चन से जिस तरह कॉलेज के गैस्ट फैकल्टी लैक्चरर से उन्हों की तनखा घट्टो घट्ट अभी वधा के अभी 45,000 रुपया की है वो बहुत खुश है जी टीचर्स सो उन्होंने कोई ना कोई बेनीफिट हर एक मिल रहा है जी आने वाले दिन सारे पक्के कर रहे हैं। फ्रॉड करेगा एक्शन हो जाएगा। हाँ शॉर्टेज हैगी है जी बहुत शॉर्टेज है उन्होंने खास करके बड़े शहरों च नहीं है मतलब जोड़े कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर है उत्थे हैगी है उत्थे असी उन्होंने 4 तो वधा के 8 कर रहे हैं जोड़े सब डिविजन हॉस्पिटल है जिमें बंगा हो गया छोटे शहर हो गया जो नकोदर हो गया थोड़ा उन्होंने हैगी उन्होंने ज़्यादा हैगी है वो काफ़ी शॉर्टेज है जी और खास करके जो रेडियो डायग्नोसिस तो है ही नहीं ईवन मैं हूँ नवें शहर भी नहीं उत्थे वास्ते असी एक एनेस्थीसिया रेडियो डायग्नोसिस ईवन गायनी के वो जोड़े लोकल IMA के डॉक्टर है उन्होंने सर्विसिज हायर करा अभी वो दो तरह दी हो जी जी जो जिम्मे रेडियो डायग्नोस दिया कि वो डॉक्टर के क्लीनिक से जाके जिम्मे मैं फरिश्ते दसिया भी उत्थे जाके टैसट कराओगे एटलीस्ट प्रैगनेंसी वास्ते वो पैसे वो सरकार सरकार तो लैणगे असं उन्होंने रेट रेट फिक्स करा तो दूजा है कि डॉक्टर को असं कहेंगे कि सानू 2-2 घंटे दे दौ नवें शहर वाले कहें उन्होंने को प्राइवेट 10 है सरकारी कोई भी नहीं है तो वो जो 10 है अभी एक एक दिन सानू 2-2 घंटे दे दौ असी उन्होंने डॉक्टर को पे कर देंगे सो एक मैकेनिज्म जोड़ा है अभी वर्कआउट कर रहे हैं ये बहुत पिछले 15-20 साल की डेफिशिएंसी है जी इनू भरन लिए थोड़ा जहाँ जी जी एक जी 108 एंबूलेंस है वह भी आउटसोर्सिंग है जी वोदिया भी दिक्कत है जिहड़ियां सरकारी एंबूलेंस है ये वास्ते असी अलग अलग मैकेनिज्म कर रहे हैं एक हुण थोड़ा हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स आ रहे हैं जिहड़ियां कि पुलिस कोले होणगियां अपने है जी पुलिस कोल होणगे उन्होंने वो ना सारे ट्रेंड होणगे उन्होंने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे के उन्होंने को सारी किट होगी वो भी कवर करेंगे जी इन्होंने सारे की असं पोलिंग करा जिन्हें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के है चाहे ट्रांसपोर्ट दरकारी गड्डिया बाकी जिन्हें साढ़े सरकारी अफसर सवान है इन्होंने मैं बेनती करता पहला MLA साहब भी साढ़े रख रहे हैं साढ़े मुख्यमंत्री रखते हैं जी ही इज़ लीडिंग बाय एग्जाम्पल अज भी मैं आ रहा है रस्ते एक एक्सीडेंट हुआ रोक के उन्होंने मेडिकल एड दी है मेरी गड्डी चुनी है सारे जोड़े बंद को भी गड्डी है वैसे तो मैंडेटरी है ये डॉक्टरों को प्रॉपर किट होनी चाहिए है
ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। देखो मैं थोनों एक दसदा जी, एक लॉ का ना एक लीगल प्रोसैस होंगे, ये पंजाब दे विच पहली बार हो गया। पंजाब जिहड़ी सरकार नहीं 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 मैं वो तो इंडस्ट्री पुरानी है पहले वाला सिस्टम नहीं होगा। जिदा तुम क्या भी एक बंदे का कैंसल करता उन्हें भरा देना फिर उही काम करते हैं, ये नहीं होगा। ये साढ़े पटियाले भी होया सी, मैं बहुत सारे बंदे ने पैसे वापस कराए उन्होंने को, मतलब करोड़ों के उ जलंधर के बंदे भी सके। ये जो लोग लुट रहे हैं ना सारे जी, इन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर उन्होंने अगेंस्ट चढ़ा है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। ये क्या पहला भी जाता, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ एंड देयर इज़ रूल ऑफ लॉ इन पंजाब। साढ़े जोड़े मुख्यमंत्री है खुद भी सारे ने इन गलों के उत्ते कर रहे हो, तुम देख रहे हो। अच्छा देखो ये मेरे ख्याल 463 इन्ने तो पहला नहीं हुए होने जी, बाकी सब की वेरीफिकेशन चलती है, बट वी हैव टू फॉलो ए प्रोसीजर। आप एक प्रोसीजर फॉलो करा वो, वो करके सारे इन्हें एक्शन होएगा। और साढ़े जो डिप्टी कमिश्नर साहब है इस मामले में बहुत सख्त है। देखो साढ़े जोड़े बहुत ज़्यादा साढ़े मेरे ख्याल 80% जो साढ़े ब्लॉक है वो दे आर इन द रेड, बहुत मतलब सीरियस कंडीशन है। ये वास्ते सरकार ये कर रही है, उन्होंने देखो सरकार ने एक तो उन्होंने कहा भी जिवें तुसीं दालां दी तेल बीजां दी काश्त करो, गन्ने दी काश्त करो, उहदे वास्ते जिहड़ा गन्ने दी कीमत है वह मान साहब ने सब तो ज़्यादा देश में और बिना किसी एजिटेशन तो बिना किसी धरने तो वधाई। उन्होंने किसी कोई स्टेट नहीं दिंदी मूंगी दे उत्ते, उन्होंने सबसिडी दित्ती जिहड़ी सीधी बिजाई है। वो कल भी मैं खेतीबाड़ी दे जिहड़ा सीगा उन्हां दा एक मेला लगांदे उहदे जाके आया, जिहड़ियां नवीं क्रॉप्स आईयां वो 90 डेज मच्योर कर दियां, पहले वाली 120-125 दिन लैंदे सी। वो काम होएगा उन्होंने सीधी बिजाई वास्ते जिहड़ा हैगा उहदा बजट वधाया 125 करोड़ रुपए। और मान साहब ने जिहड़ा हैगा कि उहदे सब तो ज़्यादा जिहड़ा बजट है वो खेतीबाड़ी नूं दित्ता इस बार। और वैसे भी उहदे विच जिहड़ा मिलट्स दा असीं कोशिश कर रहे हैं कि लोग मिलट्स की जिहड़ी कल्टीवेशन करन, तो बहुत सारे उपराले और जिहड़े छप्पड़ां दा पानी है वो ठीक करके उहनूं वाही वास्ते वरत रहे हैं। और जिते कितें साढ़े कोल पॉसीबल है कि नहर का पानी जिहड़ा हैगा उहदे च पक्के नाले बना के अंडरग्राउंड पाइप पा के, जे पहला कोई जिहड़ा नाला सीगा जे 500 एकड़ नूं लगता तो उहदी कपैसिटी तकरीबन 2 गुणा हो जाती है, उहनूं 700-800 या 900 एकड़ नूं लगता था। सो उहदी जिहड़ी उहदे च जिहड़ी बाकी दी जिहड़ियां टैक्नीक्स हैगियां कि जिहदे विच फसलां उह लगाइए जिन्हां नूं पानी दी घट लोड़ पैंदी है, पल्सेस ऑयल सीड्स और उहदे च मिलट्स जिहड़ियां कि जे मिलट्स खाणगे लोक, जे इस तरह हरियां सब्जियां फलों नूं प्रमोट कर रहे हैं जी आपां, तो ये असं जो है ना सरफेस वाटर जो है पीण वास्ते भी तो खेती वास्ते भी यूज़ करना। हाँ जी थोड़ी ये 78 करोड़ ना जी बिस्त दुआब है वो लाइनिंग कंप्लीट होगी, वाल सीवेज कटेगी, मतलब जो पानी है उन्होंने टेल एंड तक पहुँचाना। सो बहुत सारे अर्जेंट मैटर है जी ये, और बहुत जगह पर जो पिंड वाले लोग हैं उन्होंने अभी कोशिश कर रहे हैं जितने कितने जगह हैगी उ वाटर जो रेन वाटर है उन्होंने स्टोर कर लो, सरफेस वाटर यूज़ करिए आप वेयर एवर पॉसीबल, आप जमीन चो पानी ना कढ़ीए। और एक असी होर इनिशिएटिव यह लिया है भी जिते जिते बारिश का पानी ज़्यादा होंगे ना जी उत्थे रीचार्जिंग वैल्स बना दो ताकि जो पानी है बारिश का, पहला एक्चुअली इदा ही होंदा सीगा जिहड़ा फ्रैश वाटर यूज़ करता सी जिहड़ा रीचार्जिंग उही असी हुण नीचे नहीं जाते 400 फुट तो नहीं जाते पहला। मैं तो इस जिले का जमया हुआ एग्जाम्पल है मेरा, हुण SBS नगर बन गया बंगे दे नाल मेरा पिंड है, तो बरसात दे विच तां साडे जिहड़े बोर हुंदा सी उहनां दा पानी वैसे ही बाहर निकलना शुरू हो जाता सी, उहनूं जिहड़ी बेईं कहिंदे सी जिहड़ी बई दे नाल नाल हुंदे सीगे उह, और लोग चावल नहीं बीजदे सी, इहनूं राइस दे अंडर एरिया असीं घट करा रहे हां जी। हाँ मैं तुम दस्या ना जो रही जिते जिते साढ़े को पानी है ना जी उत्थे असीं वाटर चार्जिंग वैल्स भी वो भी बना रहे हैं। मैं असीं पटियाले दे विच मैनूं इत्थे दी मैनूं डिटेल्ड इनफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पटियाले दे विच तां शहर दे विच भी असीं पिंडां दे विच भी जिते साढ़े कोल हैगा असीं घट्टो घट्ट जिहड़ा पानी है बारिश दा उहनूं जमीन दे नीचे पा दे दिंदे नहीं चाहदा जे स्टोर कर सकदे हो। और 3-4 पिंडां दे विच असीं जिहड़ा हैगा वो लिफ्ट इरीगेशन कर रहे हैं उहनां दी, उहदे नाल साडी बिजली भी बचेगी पानी भी बचेगा, उन्होंने सस्टेनेबल डिवेलपमेंट है। एग्रोफोरेस्ट्री कर रहे हैं जो जो थोड़ा पानी सपोज को इंडस्ट्री का पानी भी है
वह जे मतलब खेती के योग नहीं है उन्हों एग्रोफोरेस्टरी वास्ते यूज़ किया जा सकता, रोड कंस्ट्रक्शन वास्ते यूज़ किया जा सकता। जलंधर के भी प्रॉब्लम हैगी जलंधर लुधियाने। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट सोल्जर टाइम्स, जलंधर।